भारत में एडवाइजरी जारी, ऑक्सीजन व बेड रखे तैयार, चीन की बीमारी पर अलर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन के उत्तरी क्षेत्र में एवियन इन्फ्लुएंजा H1N2 के तेजी से फैल रहे मामलों और बच्चों में सांस की बीमारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। मंत्रालय ने राज्यों को लिखे पत्र में सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में बच्चों में निमोनिया के मामलों का तुरंत पता लगाने का निर्देश दिया है। अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था बेहतर करने को कहा गया है। मंत्रालय ने इन्फ्लुएंजा और गंभीर श्वसन संक्रमण के मामलों का पता लगाने का निर्देश दिया है, जल्द रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। मंत्रालय ने साफ कहा कि देश में कहीं भी H9N2 के किसी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। संदिग्ध मरीजों के संबंध में भी कोई जानकारी नहीं है। स्थिति घबराने वाली नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर जिला और राज्य स्तर पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। केंद्र लगातार निगरानी कर रहा है। अस्पतालों को इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि कहीं किसी क्षेत्र में निमोनिया के मामलों में बढ़ोतरी तो नहीं हुई है। बच्चों के साथ साथ किशोरों में भी निमोनिया के मामलों का पता लगाया जाना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांश पंत की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि इन्फ्लुएंजा संक्रमण के लक्षण कोरोना वायरस से काफी मिलते जुलते हैं। ऐसे में सभी राज्यों को कोरोना संक्रमण को लेकर पहले से जारी गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। उन्होंने राज्यों से एक्शन रिपोर्ट जल्द साझा करने की भी अपील की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को भेजे ईमेल में कहा कि चीन में फैले संक्रमण की रोकथाम के तरीके कोरोना जैसे ही हैं। WHO ने चीन से अतिरिक्त जानकारी मांगी है। बताया जा रहा है कि चीन के इसी इलाके से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई, जो दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंच गया। सर, ये बच्चों में श्वास संबंधी बीमारी के लिए गाइडलाइन जारी हुई है जी। इसके लिए अपने यहाँ क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी पिछले दिनों एक चीन में ऐसा न्यूज आ रही थी कि जो सांस में तकलीफ के बहुत सारे मामले, बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे वहाँ पे पेशेंट्स आए हैं। और पिछले दिनों में हमने कोरोना का एक भयावह स्थिति झेली है। हमारे पूरे देश ने इसको बहुत मजबूती से उसका सामना किया था। और इस सब को देखते हुए सरकार अब कोई भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। और ये इसीलिए WHO ने भी और हमारे देश की सरकार ने भी ऐसे गाइडलाइन जारी किए हैं कि हम इस बारे में पूरी सतर्कता बरतें। इसमें कहीं भी ढील देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हालांकि अभी पब्लिक को बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, है ना। ये वापस से कोरोना का रिसर्जेंस या पुनर्उद्भव नहीं है। वो ऐसा देखा गया है कि जब कोरोना के बाद में बहुत सारे ऐसे दूसरे वायरस हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है या माइकोप्लाज्मा के निमोनिया है, इनके मामले में लक्षण हो सकता है। परंतु सरकार ने ऐसा कहा है कि हमको किसी भी तरीके की ढिलाई बरतने की जरूरत नहीं है। हम अपने हॉस्पिटल में पर्याप्त मात्रा में बेड्स और ऑक्सीजन और निमोनिया के मरीजों से लड़ने की क्षमता बनाए रखें और कहीं भी किसी भी प्रकार की ढिलाई ना करें। और पब्लिक के लिए एक सिंपल सी एडवाइजरी यही है कि जो हमने कोरोना में पहले जैसे हमारे देश के हर व्यक्ति ने एक दूसरे का साथ दिया था, डिस्टेंस मेंटेन करें, हाथ धोएं, है ना, कफ एटिकेट मतलब खांसने छींकने के लिए या तो मतलब मास्क का इस्तेमाल करें। और यानी किसी भी कोई भी अगर निमोनिया या इस सांस के मरीज अगर ऐसे आते हैं फीवर के साथ, तो उसको समय पर डॉक्टर को दिखा लें। अगर ज़रूरत बहुत ज़्यादा बाहर निकलने की ना हो उस मरीज के, तो उसको घर पर रखें और उसकी सतत निगरानी करें। बस इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।